ये जो आज विधानसभा में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो क्षतिपूर्ति बिल लाया गया है, जो संपत्ति की क्षतिपूर्ति है, वो संपत्ति इस प्रदेश की है, प्रदेश के लोगों की है, चाहे वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या सरकारी प्रॉपर्टी हो। जो सरकारी, चाहे बस है, ट्रेन है या अन्य जो साधन संसाधन है या कोई दफ्तर है, कई बार एजिटेशन करते समय इनको जला दिया जाता है, इनको नुकसान पहुंचाया जाता है, और वो जो पैसा है, वो जो वजन है, वो जो नुकसान है, वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता से ही वसूल होता है, क्योंकि सरकार केवल इन संपत्तियों की केवल केयर टेकर है, और सरकारें आती और जाती रहती हैं। प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, सभी को हक है, और प्रदर्शन की तरह प्रदर्शन करें, ये संपत्ति को फूंकना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकार सदा हमेशा कोई सरकार एक ही सरकार को जो ना शासन या सत्ता चलाती है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो कानून है वो सब केवल एक इस प्रकार का माहौल जो बन जाता है उसको बचाने के लिए, उससे अवॉइड होने के लिए ये कानून लाया गया है, जो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश के लोगों के हित में है, क्योंकि एजिटेशन करते समय इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम कहीं हमारे एजिटेशन से किसी व्यक्ति को, संपत्ति को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो कम से कम इस प्रदेश को जलने से बचाने के लिए, प्रदेश के नुकसान को बचाने के लिए ये बिल आज जो सदन में लाया गया है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने कम से कम अपनी सोच का परिचय देते हुए एक अच्छा बिल सदन में लेके आए। कांग्रेस लगातार विरोध करती रही, आज भी जमकर हंगामा हुआ इस बिल को लेकर। देखिए, कांग्रेस के हमेशा आजादी से लेके अब तक दो तरह के चेहरे रहे हैं। जब वो सत्ता में होते हैं तो कुछ और चेहरा दिखता है, जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ और चेहरा दिखता है, कभी किसानों के नाम पे ढोंग, कभी और चीज के नाम पे ढोंग। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इनमें जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी है, फूट डालो राज करो, इस तरह की जो ना हरकतें फिर करते हैं। मैं कहता हूं कि ये किसी की जो सरकार है, सत्ता है, बकौती नहीं है, ये आती और जाती रहती है, लेकिन हम किस प्रकार से, चाहे वो विपक्ष हो चाहे हम ये पक्ष हो, हमें किस प्रकार से इस हरियाणा के, प्रदेश के, देश के लोगों के हितों के विषय में सोचना है, इस बात का ख्याल रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। आपके द्वारा एक महत्वपूर्ण सवाल पटल पर रखा गया था, खासतौर पर जो अवैध माइनिंग से किसानों की और छोटे मजदूरों और छोटे व्यापारियों को बाहर निकालने के। जी बिल्कुल, और इस बात को मेरी को माना भी गया। जो ये हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली हैं किसान के, कई बार उनमें मिट्टी ढोता है, जेसीबी ले लेता है, कोई व्यक्ति रोजगार भी करना चाहता है उससे, तो बुग्गी से जैसे रेता ढोना या मिट्टी ढोना, उस कई बार माइनिंग वालों ने उनको जो ना पकड़ा है, और काफी सारे जो ट्रैक्टर हैं या अन्य जो संसाधन है वो बंद हैं थानों में। तो मैंने एक अपील की थी सदन के माध्यम से सरकार से कि भाई किसको जो ना ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई ईंट भट्टा या कोई भी कोई व्यापार करता है या कोई छोटी मोटी मजदूरी करता है, तो उसको कम से कम खनन से बाहर रखा जाए, इस खनन के कानून से बाहर रखा जाए।